अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1997 में पूछा गया था अ चार्ज्ड बॉडी, ओके चार्ज होलो स्फीयर है, ओके होलो स्फीयर डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ओके कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करती। अगर मैं चार्ज होलो स्फीयर की बात करूँ, अगर एक स्फीयर है, स्फीयर एक 3D का फिगर है और दूसरे कलर से मैं लेता है जो इसका आउटर सरफेस है, ठीक है, बीच में सारा ये खाली है, एक केवल तुम्हारा भरा हुआ है। तो जो चार्ज होता है किसी भी स्फीयर पे, होलो स्फीयर चार्ज होता है टोटल उसके सरफेस पे होता है, ओके। बट जो हम गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं तो क्या लिखते हैं, अगर सपोज कर यहाँ से मैं r डिस्टेंस पे जाके, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम r डिस्टेंस पे जाके एक एक छोटा सा एलिमेंट लूँ, तो इसमें एलिमेंट कैसे लेना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया। अब इसके लिए तो गॉस थ्योरम मैं इसके लिए अप्लाई करता हूँ, e इंटू इसका एरिया 4πr² इजकल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन, तो इन मतलब जो इनसाइड चार्ज कितना है, जीरो, क्योंकि क्यू इन इजकल टू जीरो, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, ओके। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन कहाँ पे होगा, इनर पॉइंट, इनर पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होगा, ओके, थैंक यू।